हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम थर्ड सेम डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए के टॉम सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस से डिस्कस करने वाले हैं, ओके। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे विंटर 2021 के एग्ज़ाम के लिए है। वन बाय वन हम चैप्टर डिस्कस करेंगे और उसके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो PDF रहेगी उसके अंदर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब ये है कि ये आपके प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। प्रायोरिटी क्वेश्चंस, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इतनी PDF ही करनी है, ठीक है। इतनी PDF करोगे तो भाई पासिंग तो हो ही जाना है और थोड़ा बहुत आप स्कोर कर सकते हो, ठीक है। पास हो जाओगे, स्कोर कर लोगे थोड़ा बहुत। जैसे डिप्लोमा का केस था वैसा डिग्री में केस नहीं है। हमें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं रहना, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं बट वो प्रायोरिटी में करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उससे देखिए क्वेश्चंस बनेंगे एग्ज़ाम में। बट हमें क्या है, डिग्री में हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। जैसे 2 या 3 सम या 4 सम करने से काम नहीं बनता, हमें और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इसीलिए आपको साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। बट इतना आपको पहले करना है, आपका काम यह है कि पहले इतने जो क्वेश्चंस मैं अभी आपको दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस आपको पहले प्रायोरिटी में करने हैं। चलिए, इंट्रोडक्शन का टॉपिक है और इंट्रोडक्शन में भी इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको काइनामेटिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और सिर्फ काइनामेटिक्स की नहीं, जो चारों मेन डेफिनेशन है, स्टेटिक्स, डायनामिक्स, काइनामेटिक्स एंड काइनेटिक्स, ये सारी जो बेसिक डेफिनेशन है जो हम थियोरी ऑफ मोशन पढ़ने से पहले आपको ये पता होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए भी और जनरल नॉलेज के लिए भी एज अ मैकेनिकल स्टूडेंट। काइनेमेटिक लिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काइनेमेटिक चेन, मैकेनिज्म, लोअर पैर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ डेफिनेशन से, ये चारों के चारों। लोअर पैर के साथ हायर पैर भी आ गया, तो ये आपको चारों डेफिनेशन टिक कर लेनी है अपनी बुक में। और लिंक को क्लासिफिकेशन, लिंक का क्लासिफिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है। रिजिड लिंक, फ्लेक्सिबल लिंक, फ्लूड लिंक, ये लिंक की क्लासिफिकेशन अलग से भी पूछते हैं और इस तरह से भी पूछते हैं क्लासिफाई करना। मशीन और स्ट्रक्चर के बारे में देखिए, उसका डिफरेंस आपको पढ़ना है, डिफरेंस एग्जाम्पल्स के साथ। और कुछ टर्म्स डिफाइन करनी है मशीन स्ट्रक्चर रिलेटेड, जैसे हायर पैर मैंने तो आपको बोल ही दिया, लोअर पैर के साथ हायर पैर कर लीजिए। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन जो नेक्स्ट टॉपिक है भले, बट यहाँ पे स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पे ये डाला हुआ है। बाकी के आपको कुछ डेफिनेशन दूसरे टॉपिक में मिलेंगे। ब्रिजिस और रूफ ऑफ वर्कशिप यूजिस स्ट्रक्चर एलिमेंट जस्टिफाई विथ रीजन। देखिए, 4 मार्क में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है समर 2020 में। ब्रिज और रूफ में हम जो स्ट्रक्चर एलिमेंट ही क्यों यूज़ करते हैं, मतलब मोशन वाले एलिमेंट्स क्यों यूज़ नहीं करते, तो इस तरह से कुछ लॉजिकल क्वेश्चन आए तो आपको आंसर देना पड़ेगा। काइनेमेटिक कंस्ट्रेंट वाले टॉपिक में आपको कुछ डेफिनेशंस, जो लोअर पैर हायर पैर वो तो है ही, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट और कम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में पूछा है और एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन, ये तो पूरा टॉपिक आपको कर लेना है, ठीक है। ये अच्छा टॉपिक है, ये कर लेना, IMP है। काइनेमेटिक पैर अगेन IMP है कि काइनेमेटिक पैर को डिफाइन करना है, उसका क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है और उसके सारे विद एग्जाम्पल्स, ये पूरा टॉपिक करना ही करना है भाई। हायर पेयर, लोअर पेयर, इसमें से कुछ भी आ सकता है। बोले कि सर इसमें से कुछ IMP, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। काइनेमेटिक पेयर का ये बोल दिया, ये 3 क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, उसके क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए एग्जाम्पल के साथ, और उसमें खास करके हायर पेयर लोअर पेयर तो पता होना ही चाहिए। काइनेमेटिक चेन का डेफिनेशन और आपको टाइप्स ऑफ जॉइंट्स जो है वो पता होने चाहिए, वो एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। मैकेनिज्म और डिफाइन मैकेनिज्म इस तरह से भी पूछते हैं, विंटर 18 में पूछा है देखिए। और डिफरेंस बिटवीन मशीन मैकेनिज्म एंड स्ट्रक्चर, ये ऐसे क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं IMP। इन्वर्जन ऑफ मैकेनिज्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसके टाइप्स ऑफ इन्वर्जन क्लासिफाई करना है इन्वर्जन को, और उस इन्वर्जन में कुछ अलग से पूछ सकते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या पूछा है, नीड स्केच पूछे हैं,
नोटेशंस के साथ, लिंक्स के साथ। इसमें पूछा है फोर बार क्रैंक एंड लीवर मैकेनिज्म और फोर बार रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। तो इसके आपको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करने हैं और एक्सप्लेन वेरियस इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन के अलग अलग इन्वर्जन को डिस्कस करने हैं एग्जाम्पल के साथ। पूरे 7 मार्क में पूछा गया है देखिए, और 2 बार पूछा है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ऑब्वियसली एनी यानी 2 है क्विक रिटर्न, जिसमें से आपको पता है पहली वाली आपके लिए आसान पड़ेगी, उसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करना है स्केच के साथ। एनालिस करना है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म्स, जो 2 है तो वो आपको बतानी है, एक तो विटवर्थ वाली है, दूसरी वाली विटवर्थ वाली है, पहली वाली तो सिंपल क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है जो, और उसका वर्किंग बताना है एनी वन ऑफ थेम का, मतलब एक ही बताना है आपको स्केच के साथ अच्छे से बताना है, क्योंकि 7 मार्क्स में पूछा है देखिए। और इन्वर्जन जो है डबल स्लाइडर क्रैंक के भी आपको पढ़ने हैं, जिसमें एक ओल्डहम कपलिंग खास पढ़ना है, ठीक है, ओल्डहम कपलिंग खास पढ़ना है। 4 बार के इन्वर्जन्स में 2 इन्वर्जन्स की बात की हुई है, 4 बार के इन्वर्जन भी पढ़ने हैं जिसमें ये 2 खास पढ़ने हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रासहॉप्स लॉ, 2 मिनट लगेगा ग्रासहॉप्स लॉ लर्न करने के लिए, ठीक है, तो ये पढ़ लेना। और फिर गुड्सबैक जो क्राइटेरिया है डिग्री ऑफ फ्रीडम के, उसके हिसाब से हमें ऐसे कुछ सम्स सॉल्व करने पड़ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो ये प्रैक्टिस के लिए है, कर लेना। ये हायर पैर वाले है देखिए, हायर पैर वाले है, समझ रहे हो, इसमें हायर पैर भी आई हुई है। फिर क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म के कुछ एग्जाम्पल है देखिए, तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको करने हैं प्रैक्टिस के लिए। और डबल पैरेललोग्राम में आपको क्या करना है देखिए, मोबिलिटी फाइंड करनी है, तो मोबिलिटी का एक क्वेश्चन है, तो मोबिलिटी का टॉपिक भले हमने यहाँ पे देखिए ऊपर छोड़ दिया है, ये रहा डिग्री ऑफ फ्रीडम का, बट उसका न्यूमेरिकल है, मतलब आपको थोड़ा बहुत मोबिलिटी पढ़ना पड़ेगा। फिर सिंपल क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म का अगेन यहाँ पे एक और न्यूमेरिकल पूछा गया है डायग्राम के साथ। स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म में देखिए क्या पढ़ना है आपको, स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म का एक्सप्लेन करना है स्केच के साथ, स्ट्रेट लाइन मोशन मैकेनिज्म क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशंस। उसमें भी जो प्यूसेलियर मैकेनिज्म है और हार्ट्स मैकेनिज्म है वो आपको खास पढ़नी है। उसके बाद व्हाट इज पेंटोग्राफ और डिटेल्स ऑफ पेंटोग्राफ ये भी पढ़ना है। अब चैप्टर नंबर 2 पे आ जाते हैं हम, ग्राफिकल एंड एनालिटिकल लिंकेज सिंथेसिस, यानी सिंथेसिस जो चैप्टर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ब्रीफली डायमेंशनल सिंथेसिस आपको एक्सप्लेन करना है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सिंथेसिस प्रोसेस एक्सप्लेन, या तो राइट अबाउट द 3 स्टेप्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैकेनिज्म इन डिटेल। अब ये जो टास्क ऑफ काइनेमेटिक सिंथेसिस के अंदर लिस्ट एंड डिस्क्राइब द 3 फेसेस ऑफ सिंथेसिस, और वो 3 फेसेस कौन से हैं, फंक्शन पाथ और मोशन जनरेशन, ये इस तरह से अलग से भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द मेन टास्क इन काइनेमेटिक सिंथेसिस एक्सप्लेन ईच टास्क, तो ये पूछने के ज़्यादा चांसेस है। रिलेटिव पोल मेथड में क्या पूछ सकते हैं देखिए, कंस्ट्रक्ट 2 पोजिशन सिंथेसिस ऑफ 4 बार मैकेनिज्म बाई रिलेटिव पोल मैथड, 3 पोजिशन सिंथेसिस ऑफ 4 बार मैकेनिज्म बाई रिलेटिव पोल मैथड, और 2 पोजिशन सिंथेसिस सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म रिलेटिव पोल मैथड से, और 3 पोजिशन यानी सिंगल स्लाइडर और 4 बार के और सिंगल स्लाइडर के 2 पोजिशन 3 पोजिशन सिंथेसिस दोनों आपको लर्न करने हैं, ठीक है, यानी टोटल 4 क्वेश्चन हो जाते हैं रिलेटिव पोल के, 2 हो जाते हैं 4 बार के 2 पोजिशन 3 पोजिशन वाले, और 2 हो जाते हैं सिंगल स्लाइडर के वो भी 2 पोजिशन और 3 पोजिशन सिंथेसिस वाले। और इसके अंदर आगे हम 2.8 में चले जाते हैं सिंथेसिस ऑफ फंक्शन जनरेशन में, उसमें आपको फंक्शन जनरेशन का सिंथेसिस एक्सप्लेन करना है। 2.10 जो टॉपिक है उसमें जो फ्लुडेस्टाइन इक्वेशंस जो है फॉर्मुलेट करना है, और नेक्स्ट में हमें पर्टिकुलरली बोला गया है 4 बार के लिए बनाना है, तो ऊपर वाला कुछ बोला नहीं है तो आप ऑब्वियस बात है 4 बार का भी बना सकते हो। सॉल्व एग्जाम्पल है कुछ देखिए, 3 एग्जाम्पल्स है, बट ऑब्वियस बात है कि 3 एग्जाम्पल हमारे एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी नहीं है, आपको प्रिपेयर करने हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स, उसके बाद ये 3 सॉल्व करने हैं कि जैसे एग्ज़ाम में आते हैं वो आपको आते हैं कि नहीं है, इसके अलावा भी आपको और सब करने पड़ेंगे, प्लस बुक्स के क्वेश्चंस, प्लस बुक्स।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एज अ रेफरेंस और प्रायोरिटी क्वेश्चंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको। ठीक है, चलो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एनालिसिस में आप देख सकते हो कि क्या पूछा है, लीनियर और एंगुलर के टर्म्स के बीच का रिलेशंस पूछा है। उसमें आपको डिस्प्लेसमेंट का बताना है, वेलोसिटी का बताना है और एक्सेलरेशन का बताना है। वेलोसिटी एनालिसिस आपको पूरी समझानी है सिंगल स्लाइडर ड्राइव मैकेनिज्म के लिए। उसके बाद डायरेक्ट हम आ जाते हैं, ये देखिए डायग्राम, डायग्राम की बात है तो डायग्राम तो आपको ये न्यूमेरिकल जो सॉल्व एग्जाम्पल है उससे करने ही करने हैं, बट अलग से ऐसे बिना क्वेश्चन के भी डायग्राम अगर पूछ ले तो फिर आपको इमेजिनरी जो भी नॉर्मल जो प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसीजर आपको समझाना पड़ेगा। ओके, बड़ी तो रिजिड लिंक के लिए है, ये वाली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जैसे स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है, फोर बार है उसके लिए। सो चलिए कंट्रास्ट करना है यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ रबिंग, मतलब डिफरेंस एक तरह से बताना है। देखिए दोनों का एक्सप्लेन करना है। रबिंग वेलोसिटी आप समझ सकते हो कि पूछते हैं एग्जाम में, तो रबिंग वेलोसिटी का क्वेश्चंस आप कर लेना है। फिर हम सॉल्व एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। देखिए कुछ फोर बार मैकेनिज्म का एग्जाम्पल पूछा है जिसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है बीसी और सीडी लिंक का, और एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना है बीसी और सीडी लिंक का, 7 मार्क में पूछा गया है। क्रैंक जो है स्लाइडर क्रैंक, देखिए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का क्वेश्चन है और उसमें हमें पूछा है लीनियर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द, ये तो जैसे ये देख सकते हो कि ये डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है, डिप्लोमा फोर्थ सेम लेवल के क्वेश्चन है, तो ऐसे सम्स तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, डिप्लोमा फोर्थ सेम में जो टर्म आता है उसके जैसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कोई मतलब इतना डिफिकल्टी लेवल इतना हार्ड नहीं है, 7-7 मार्क्स में आता है। अगर आपने उस टाइम किया है तो इस बार भी आप कर लोगे अच्छे से। ठीक है, तो और यहाँ पे 45 डिग्री कर लेना। ठीक है, ये आप देख लेना 45 डिग्री। तो इसमें भी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का ये क्वेश्चन पूछा है और ये तो स्लाइडर क्रैंक का डायग्राम ही बता दिया है। फिर टॉगल मैकेनिज्म, अब ये कुछ डिग्री लेवल का क्वेश्चन आया, देखिए 7 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन, तो पहले ऊपर वाले प्रैक्टिस कर लेना, वो सब आ जाए फिर इस ये सब क्वेश्चंस को आपको करने हैं। देखिए ये फिर डिग्री लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं सब, जिसमें रबिंग वेलोसिटी भी आ रही है। देखिए ये वो सारे, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, पीडीएफ जो है मैं आपको शेयर करूँगा, पीडीएफ आपसे शेयर करने वाला हूँ 100%, बट मैं अभी के अभी शेयर नहीं करने वाला, पीडीएफ के लिए आपके 2-3 दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, मिनिमम मैं 2 दिन तो लगाऊंगा ही, उसके बाद ही मैं पीडीएफ को अपलोड करूँगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स फिर सीधे ओपन करते हैं पीडीएफ, डाउनलोड करते हैं, वीडियो बंद कर देते हैं, जिससे फिर रेटिंग वीडियो का बहुत डाउन आ जाता है। तो पीडीएफ मैं 2 दिन के बाद आपको 100% शेयर करूँगा, अगर लेट हो जाता है तो रिमाइंड करा देना। ठीक है, चलिए 13 वाला क्वेश्चंस देखिए, कुछ इस तरह सा है, डायग्राम दिया है और हमें कुछ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड करने हैं एक्सेलरेशन के बी पॉइंट के, ये वाले पॉइंट के, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमें ए बी और बी सी के फाइंड करने हैं, ये ए बी के और बी सी के। ठीक है, टाइम मिलेगी तो ये सब सॉल्व करेंगे, है ना, ये सॉल्व करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, कंप्यूटर पे सॉल्व करने में यही प्रॉब्लम है कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरह से यूज़ करने, कंप्यूटर में जो इंस्ट्रूमेंट है बहुत ही लिमिटेड है, प्लस उसको अरेंज करना, स्केल लगाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कंप्यूटर पे ये सब चीज़ें बनाना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो फिर देखते हैं अगर हम उसको नोट पे हम बना सकते हैं, एक पेज में ब्लैंक पेज लेके अच्छे से ऐसे डायग्राम विथ इंस्ट्रूमेंट अगर मैं बना सकूँ तो वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, फाइनल गोल तो ये कि आप सबको जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ आना चाहिए। ठीक है, चलिए ये भी कुछ क्वेश्चंस है, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस है थर्ड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स है, तो आप कर लेना, ये सब आपके रेफरेंस के लिए है। ठीक है, सो चलिए थोड़ा थोड़ा पॉज भी रखूँगा कि अगर जिसको भी अभी से करना है ये सम्स वो चालू कर दे के टॉम के लिए। फिर देखिए कोरिओलिस कंपोनेंट का जो हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बारे में समझाना है, मैग्नीट्यूड भी अलग टॉपिक है, डायरेक्शन भी अलग टॉपिक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, उसका एक्सप्रेशन को डिराइव करने को पूछा है।
तो यही है डिग्री में कि हमें ज़्यादातर एक्सप्रेशंस को डिराइव करना बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। फिर ये कोरियोलिस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको उसमें वेलोसिटी एक्सेलरेशंस इसके अंदर भी सॉल्व करना पड़ेगा। कोरियोलिस कंपोनेंट भी एक ऐड हो जाता है। फिर क्लीन्स कंस्ट्रक्शन में आपको क्लीन्स कंस्ट्रक्शन को डिस्क्राइब करना है एग्जाम्पल्स के साथ। फोर्थ चैप्टर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ वेलोसिटी, इसमें आपको टाइप्स ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर को डिस्कस करना है। और कैनेडी का थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एरन होल्ड कैनेडीज थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने के फुल चांस है। ठीक है, इसको प्रूव करना है कि थ्री लिंक्स मूरिलेट, मतलब वही ये एक तो ये हेडिंग के टर्म में पूछा है और ये पूरा लिख के बता दिया है भाई ऐसा ऐसा है तो ये प्रूव करो, मतलब दोनों एक ही है। चलिए फिर एक यहाँ एंगुलर वेलोसिटी रेशियो थ्योरम का एक क्वेश्चन देखिए यहाँ छुपा हुआ है। ओके, ध्यान से देखना है भाई, ऐसे क्वेश्चन छूट ना जाए क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि सिलेबस बहुत ही लेटेस्ट है, इतना टाइम हुआ नहीं है इस सिलेबस को, इसलिए हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस नहीं है जितने डिप्लोमा लेवल पे क्वेश्चंस रहते हैं, इतने क्वेश्चंस हमारे पास इस लेवल पे नहीं है। चलिए क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, कैम्स पे। तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोअर्स, देखिए फॉलोअर को क्लासीफाई करो, एक्सप्लेन करो, स्केच ड्रॉ करो। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। और रोलर फॉलोअर इज प्रीफर्ड टू दैट ऑफ अ नाइफ एज, नाइफ एज के ऊपर रोलर फॉलोअर क्यों प्रीफर किया जाता है। टाइप्स ऑफ कैम्प पूछे हैं एग्जाम्पल्स के साथ, स्केच के साथ, और कुछ टर्मिनोलॉजी जो आपको पता होनी चाहिए कैम्प में, इतना तो पता होना ही चाहिए, उसके बाद भी आपको पढ़ना तो है ही भाई। प्रेशर एंगल पता होना चाहिए, ड्वेल एंगल पता होना चाहिए, पिच कर्व पता होना चाहिए, बेस सर्कल, पिच सर्कल, प्रेशर एंगल, स्ट्रोक, प्राइम सर्कल, ये सारी चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए। प्राइम सर्कल भी डाल ही दो भाई ये तो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम, मोशन ऑफ द फॉलोअर, मोशन ऑफ द फॉलोअर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके अंदर आपको रिलेशन स्टेट करने हैं डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, किस केस में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। फिर हमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी देखिए क्या करना है, एक्सप्लेन करना है सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऑफ द फॉलोअर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, उसमें भी रिलेशन हमें एक्सप्लेन करने हैं डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, SHM के लिए। फिर हमें सेम काम करना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो रिटार्डेशन जो मोशन होती है फॉलोअर की, उसमें भी हमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन बताना है। और ये अगेन सेम काम करना है साइक्लोइडल मोशंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, साइक्लोइडल के लिए। ये चारों जो मोशन है फॉलोअर की, सभी में हमें रिलेशन को एक्सप्लेन करना है, इसमें से कोई भी एक आ सकता है भाई। और फिर कैम प्रोफाइल के न्यूमेरिकल्स, ये तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसमें से 7 मार्क तो लाने ही पड़ेगा आपको, अगर इसमें आप 7 मार्क नहीं लाते तो फिर आपको पास होने में थोड़ी तो प्रॉब्लम होगी। चलिए ये कुछ चैप्टर से जो नए नए इंट्रोड्यूस हुए हैं केटॉम सब्जेक्ट में, जैसे बेल्ट, रोप्स एंड चेन्स, तो हमारे पास बहुत टन्स ऑफ क्वेश्चंस है नहीं इसके, बट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रायोरिटी क्वेश्चंस हैं, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लर्न करने हैं जब ये हो जाए उसके बाद। ठीक है, चलिए इसमें सबसे पहले हमें वेलोसिटी रेशियो कंपाउंडेड बेल्ट ड्राइव का समझाना है, कुछ इस तरह से है। टोटल टेंशन, देखिए ये तो क्वेश्चन भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 मार्क में आया तो जैकपॉट लग जाएगा, 4 मार्क में आया तो थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा भाई। ओके, कि 3 मार्क का नुकसान होगा क्योंकि 7 मार्क डिजर्व करता है ये क्वेश्चन, और ये हर बार एग्जाम में आता ही आता है। उसके बाद क्रीप और स्लिप का डिफरेंस, देखिए क्रीप और स्लिप, तो ये क्वेश्चंस भी पहले लर्न कर लेना। और बेल्ट के न्यूमेरिकल्स, बेल्ट के न्यूमेरिकल्स इसके बाद भी आपको करने पड़ेंगे, इतने से काम नहीं बनेगा। चलिए वी बेल्ट, रोप, चेन, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक बने नहीं हैं। ओके, सो अभी के लिए टेम्पररी आप अवॉइड कर सकते हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुली और उसके स्केच के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट चैप्टर हम आ जाते हैं फ्रिक्शन और क्लच, तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के अंदर कुछ है सॉलिड फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और ग्रीसी फ्रिक्शन, ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आपको पता होना चाहिए। ड्राई, फिल्म और एक और टर्म्स है लिमिटेड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सब पता होनी चाहिए।
इंक्लाइड प्लेन है, देखिए इसके कोई ज़्यादा ऐसे चांसेस है नहीं, बट तो भी एक दिया है तो कर लेना भाई। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्लच में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें सिंगल प्लेट क्लच का नीड्स कैच बनाना है, लेबल बनाना है, ठीक है। 3 मार्क हमें मिल रहे हैं क्लच बनाने का, कोन क्लच का भी देखिए 3 मार्क हमें मिल रहे हैं, सिर्फ डायग्राम बनाना है, और न्यूमेरिकल भी बहुत ही आसान रहते हैं तो न्यूमेरिकल भी कर लेना। फिर ब्रेक, ब्रेक के अंदर तो देखिए सबसे फेवरेट क्वेश्चन है फैकल्टीज का, सेल्फ लॉकिंग ब्रेक, और इसमें एक्सप्लेन विद रीजन द केस विच शू ऑफ द सिंगल शू ब्रेक विल बी पिवोटेड, तो उसके केसेस बताना है, सिंगल शू ब्रेक वाला हमें समझाना है, उसमें अलग अलग केस बताना है कि ऐसा क्यों ओके रीजन के साथ। उसके बाद हमें आ जाना है इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंटरनल एक्सपांडिंग शू ब्रेक। फिर गियर्स, तो गियर्स के अंदर कुछ टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि मॉड्यूल, बैकलेस, मॉड्यूल ऑफ गियर, ये सब डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। लॉ ऑफ गियरिंग, लॉ ऑफ गियरिंग, सो लॉ ऑफ गियरिंग हम यहाँ पे देखिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ये करके जाना है खास। और हमें कंपैरिजन करना है, देखिए डिफरेंशिएट इन्वोल्यूट साइक्लोडल प्रोफाइल गियर टीथ, ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, और साइक्लोडर और इन्वोल्यूट के डिफरेंस पूछे जाते हैं, कंपैरिजन पूछे जाते हैं। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, दो इन्वोल्यूट प्रोफाइल गियर जो मैस में होते हैं यानी कांटेक्ट में होते हैं, ओके एक यहाँ से कांटेक्ट में होता है और यहाँ से कांटेक्ट में होता है, तो दो इन्वोल्यूट प्रोफाइल वाले होने चाहिए, उसका एक्सप्रेशन डिराइव करना है किसका, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट का, कांटेक्ट रेशियो क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बेसिक जो न्यूमेरिकल्स गियर के, इतने टीथ होते हैं, इतना एंगल होता है प्रेशर एंगल, तो ये भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर देना। फिर गियर ट्रेन, गियर ट्रेन में हमें रिवर्टेड गियर ट्रेन का न्यूमेरिकल है, और एपिसाइक्लिक में सन एंड प्लैनेट गियर आपको एक्सप्लेन करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये वाला IMP। और सॉल्व एग्जांपल्स, देखिए हमारे पास दो ही सम है यहाँ पे, बट ये सम एज अ रेफरेंस है, इसका मतलब आप पता चल गया कि आपको क्या करना है, ठीक है। कुर्मी बुक रिफ़र करना, आपको तो वैसे हमारी बुक ही है, उसमें भी अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं, ओके जो हमारे टेक्निकल पब्लिकेशंस रिफ़र करिए, इसमें भरपूर न्यूमेरिकल है ही, उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर एक बार कुर्मी बुक में भी नज़र मार लेना, तो जिससे आपको, क्योंकि इससे पूछे जाते हैं, या आप देख सकते हो ये फिगर वहीं से उठाई गई है, ठीक है, तो चांसेस है कि उसमें से कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं, तो कुर्मी के भी प्रैक्टिस कर लेना, अगर टेक्निकल पब्लिकेशन में कवर नहीं है तो कुर्मी के आप देख लेना, और कुर्मी और इसके दोनों के सेम है तो कोई आपको टेंशन की बात है नहीं। तो चलिए यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट ख़त्म होती है, आई होप कि आपको ये जो वीडियो है वो यूज़फुल होगा, और वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और लास्ट चीज़ ये कहना चाहूँगा कि PDF आपको 2 दिन बाद मिल जाएगी, ओके इसकी लिंक मैं आपको अलग से कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दूंगा। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।